अच्छी बात यह है कि जो बारिश हो रही है उसकी पूर्व चेतावनी जारी हो रही है। कई बार ऐसा हो जाता है कि अचानक बारिश आ जाती है जिसका चेतावनी टाइम से नहीं दिया जाता है, लेकिन ये इस तरह की बारिश है जो वेदर सिस्टम से एसोसिएटेड बारिश है और इसकी चेतावनी 3 से 4 दिन पहले संबंधित एजेंसी को तमिलनाडु में और हेडक्वार्टर में दिल्ली में भी दी जा रही है। ये नॉर्थ ईस्ट मानसून का ही एक के सिस्टम्स है। नॉर्थ ईस्ट मानसून बहुत सक्रिय है इस बार और उसी की वजह से एक के बाद एक बंगाल खाड़ी में सिस्टम्स बन रहे हैं और वो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से भारी से बहुत भारी बारिश का दौर चलता है। पिछले 3 दिनों से ये जो रेनफॉल हो रही है लगातार जारी है। आज बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा बारिश हुई है पिछले 3 दिनों में, 25, 30, 40 सेंटीमीटर बारिश नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु में हुई है, साउथ कोस्ट आंध्र प्रदेश में भी हुई है और जो इंटीरियर तमिलनाडु वहां भी कहीं कहीं हैवी रेनफॉल के समाचार मिले हैं। लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल तो लगभग सभी जगह हो रही है। अगले कब तक ये बारिश? पहला तो ये कि जो वर्स्ट स्पेल है वो कल तक के लिए है, कल के बाद से बारिश की जो इंटेंसिटी उसमें काफी रिडक्शन आ जाएगा, लेकिन फिर भी मॉडरेट रेनफॉल तमिलनाडु में केरला में अगले लगभग 1 सप्ताह तक जारी रहेगी। लोगों के लिए कोई एडवाइजरी? एडवाइजरी हमने अपनी तरफ से चेतावनी दी है लोगों को भी और डिजास्टर अथॉरिटीज को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। अब जो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह की एडवाइस लोगों को देती